एवरीवन आज हम क्लास सिक्स एन का चैप्टर टू पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का ये चैप्टर है और इसका नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो इसमें एक तुषार नाम का बॉय है जिसकी ट्रेन की जर्नी है वो दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है इसकी कज़िन की वेडिंग है उसके लिए they were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat his nose glued to the glass pane यानी yani, मतलब ये जा रहे हैं और ट्रेन से वो चल रहे हैं तो फिर विंडो की सीट पर तुषार बैठा है और बस उसे बाहर देखने में बहुत ही मजा आ रहा है वो पेड़ देख रहा है घर देख रहा है जो कि इधर उधर मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं पीछे की तरफ निकलते जा रहे हैं उसके जो अंकल हैं वो उसके शोल्डर पर हाथ डालकर फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो हैं वो एक साल पहले से ही हैं तो ये उसे नोटिस ये सोचने लगता है कि अच्छा इतने पहले से ये ये सब हैं और इससे कैसे जाया करते होंगे लोग क्यों जाया करते होंगे तो ये सब ये इसके मन में सवाल आते हैं तो चलिए हम इस चैप्टर में जो जो भी उसके मन में सवाल आते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे द तो अर्एस्ट पीपल वाई वर दे वर ऑन मूव यानी पहला जो क्वेश्चन है कि जो पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो इधर से उधर क्यों घूमा करते थे तो जैसा हमें पता है कि जो पीपल होते हैं हमारी पूरी कंट्री में मतलब ये दो मिलियन ईयर्स पहले की यहाँ पर बात बताई गई है दे वी डिस्क्राइब दम एज़ हंटर गैदर्स दो मिलियन हज़ार साल पहले जो लोग रहते थे उनको आज हम पता है क्या बोलते हैं हंटर गैदरर्स क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे जानवरों का शिकार करते थे जानवरों का शिकार करने के साथ साथ वो फल और वेजिटेबल्स वगैरह आसपास पेड़ों में से लगे हुए को तोड़ ही देते थे मतलब आसपास फल लगे हुए हैं पेड़ों पे उन्हें निकालेंगे और जानवरों का शिकार करके वो खाते थे, थे तो इसलिए हंटर यानी जानवरों का शिकार गैदरर्स यानी इकट्ठा करना तो हंटर गैदरर्स कहते थे उन लोगों को जो दो मिलियन ईयर्स पहले हुआ करते थे इंडिया में और ये नेम कैसे आया वो तो मैंने आपको बता ही दिया तो जनरली वो क्या हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि फ़िश हो गए बर्ड्स हो गए फ्रूट्स को लेते थे नट्स लेते थे सीड्स लेते थे लीव्स को तोड़ लिया करते थे और ऐसे उनका जो है खाने का काम चल जाएगा कर था तो जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे काफ़ी रीजंस हैं इसके देखिए पहला रीज़न ये है इफ़ दे हैड स्टेड इट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज अगर वो एक ही जगह पर हमेशा के लिए रहेंगे तो वहाँ पर वो खाते जाएंगे खाते जाएंगे जानवरों को तो जानवरों तो कमी होते जाएंगे ना उसके बाद वो क्या खाएंगे इसलिए वो कभी जानवर कम हो जाते थे किसी जगह पे या जो पेड़ पौधे थे वो उनकी कमी पड़ जाती थी तो वो मूव कर लिया करते थे घूम लिया करते थे दूसरी जगह पर सेकेंड रीज़न ये है कि एनिमल्स भी इधर उधर जाते रहते थे अब एनिमल्स जाएंगे तो इंसान भी उनके पीछे पीछे जाएंगे उन्हें खाने के लिए तो इस तरीके से जो है वो दूसरी जगह जाते थे एनिमल्स क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि एनिमल्स को अपना शिकार खाना पड़ खाने के लिए एनिमल्स जाते थे और कभी अपना घर ढूंढने के लिए एनिमल्स निकलते थे मतलब ऐसे ही होता करता था एनिमल्स जाते तो इंसान उनके पीछे पीछे जाते ये सेकंड रीज़न थर्ड रीज़न ये होता है कि देखिए प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़ बी अ फ्रूट इन डिफरेंट सीज़न जो प्लांट्स हैं पेड़ पौधे हैं जिनसे वो फ्रूट लेते थे वो अलग अलग सीजन में उगते थे तो पीपल को इधर उधर सीजन टू सीज़न मूव करना पड़ता था डिफरेंट काइंड के पेड़ पौधों को लेने के लिए तो फोर्थ रीज़न ये हो जाता है अब कि पीपल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव हर किसी को इवन जो भी हैं पीपल हो गए प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए इन तीनों को ही क्या चाहिए वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए तो वाटर कहाँ मिलेगा जहाँ पर नदी तालाब ज़्यादा होंगे अब क्या होता था कि बाढ़ नहीं आई कुछ तो नदी तालाब ऐसा होता था जो पैरानीमल होते थे पेरानील का क्या मतलब होता है ऐसे नदी तालाब जिनमें अगर बारिश आएगी तभी उनमें पानी होगा तो सिर्फ एक साल में ही उनके अंदर पानी भरता था या नदियाँ नहीं होती थी किसी जगह पर तो इस वजह से वो लोग चले जाते थे अब ऐसा कोई नदी है जिसमें जब बारिश आती थी तभी पानी भरता था और सिर्फ एक साल के लिए ही पानी रहता था तो इंसानों को मूव करना पड़ता था और ऐसे जगह जाना पड़ता था जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ हों जिनसे सर्दी गर्मी जब जो भी हो उनका काम चल जाए पानी का अब हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल हमने ये तो देख लिया कि कैसे इधर उधर जाया करते थे कितने सारे रीज़न हुआ करते थे कुछ लोग क्या करते थे किसी को अपना घर बनाने के लिए अलग जगह चाहिए किसी को कहीं और काम करने के लिए अलग जगह चाहिए तो इसलिए वो लोग मूव किया करते थे अब हम जानते हैं कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला तो जैसा आपको पता है आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुराने जो लोग होते हैं उनके बारे में खोज करते हैं हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऐसी काफ़ी चीज़ें ढूंढी हैं हंटर गैदर्स के बारे में जो कि वो बनाते थे और इस्तेमाल करते थे और ऐसा ही है जैसे पीपल टूल्स बनाया करते थे कैसे बनाया करते थे स्टोन के पत्थर के टूल बनाते थे वो लोग लकड़ी के टूल टूल बनाते थे हड्डियों के टूल बनाते थे और फिर जो पत्थर के वो औजार बनाते थे ना टूल का मतलब औजार होता है काम करने के लिए या गंदा को गड्ढा खोदने के लिए वो पहले के लोग हंटर गैदरर्स लोग क्या करते थे औजार बनाते थे खुद हाथों से तो आर्कोलॉजिस्ट को पता चला है कि वो पत्थरों के लकड़ियों के बॉर्न के इन सब के औजार बनाते थे जिनमें से पत्थरों के औजार तो अभी तक बचे हुए हैं सम ऑफ दिस स्टोन वर्ल्स वर यूज टू कट मीट एंड बॉन स्क्रैप बार फ्रॉम ट्रीज एंड हाइट एनिमल स्किन्स जो फ्रूट एंड रूट्स तो यही है कि कुछ पत्थरों के जो औजार होते थे वो किसके काम आते थे कभी तो वो मीट को काटने के लिए कभी जो हड्डी होती है उसको काटने के लिए पेड़ों के पेड़ों का जो बार्क होता है उसे काटने के लिए और कभी कभी एनिमल की जो स्किन होती है उसको काटने के लिए निकालने के लिए ये सारी चीज़ें जो टूल्स औजार वो बनाते थे वो काम आते थे वो फलों को काट लिया करते थे जड़ों को काट लिया करते थे इन औजारों की मदद से क्योंकि हाथों से उतनी जल्दी अच्छी तरीके से कट नहीं पाता जितना कि अगर हम औजार बनाकर काटें तो कट जाता है सम मे हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बॉन और वो टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग तो इनसे क्या बन जाता था तीर कमान बन जाया करते थे आराम से और दूसरे टूल्स यूज होते थे लकड़ियाँ काटने के लिए और अगर किसी को मतलब आग जलानी है तो उसके लिए भी वो लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके जला लिया करते थे जो लकड़ी थी ना वो हर्ट्स बनाने के लिए औजार बनाने के लिए काफ़ी काम आती थी तो वुड का भी काफ़ी यूज़ होता था झोंपड़ी बना लो अपनी अपना औज़ार बना लो वुड की मदद से तो ये सारे यहाँ पर बताया बताया गया है तो देखिए ये रे उनके औजार पुराने जब वो औजार यही होते हैं जैसे देखिए इस औजार से ये कैसे ट्री के नीचे गड्ढा खोद रहे हैं इस औजार से जैसे ये जानवरों को स्किन को काट रहे हैं तो यही बताया गया है कि औजारों के क्या क्या यूज़ हुआ करते थे नाउ नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन अब ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर वो लोग रह सकें तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है इसमें आपने रेड ट्राइंगल्स रेड ट्राइंगल्स बनाए गए हैं कई जगहों पर जैसे इस जगह रेड ट्राइंगल उसके बाद देखिए कई जगहों पर यहाँ पर भी रेड ट्राइंगल है अब ये रेड ट्राइंगल किन किन जगहों पर बनाए गए हैं ये उन जगहों पर बनाए गए हैं जिन जगहों पर आर्कोलॉजिस्ट को मिला है हंड्रेड गैदरर्स का निशान कि हंटर गैदरर्स उन्हें मिला कि इधर रहते थे वो लोग क्योंकि हंटर गैदर्स बहुत सारी जगह पर रहते थे अब जहाँ पर उनके औजार पड़े मिले या पत्थर पड़े मिले या कुछ ऐसे क्लूज मिल गए कि हाँ यहीं पर वो रहते थे तो वो सारी चीज़ें उन्हें पता चल गया फिर आर्कोलॉजिस्ट को कि हाँ यहाँ पर वो रहा करते थे तो ये जो रेड कलर के ट्राइंगल है वो उन्हीं जगह पर बताए गए हैं जहाँ पर जो हंटर गैदर्स थे वो रहा करते थे तो कहाँ रहा करते थे जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है भीम बेद का वहाँ पर हंटर गैदर्स रहा करते थे और देखिए यहाँ पर साइन है यहाँ पर साइन है तो हंसकी में और कुरन केव यानी कुरन के जो आ, केव होते हैं कीव यानी गुफा जो होती है उधर वो लोग रहा करते थे ठीक है तीन चार जगह हैं ज़्यादा जगह तो है भी नहीं हाँ तो इन्हीं जगहों पर वो लोग रहा करते थे कौन लोग हंटर गैदर ठीक है ये हो गया हमने पढ़ लिया कहाँ रहा करते थे इस मैप के नीचे तो शायद कुछ है नहीं आगे पीछे पर चलते हैं सो so, तो यहाँ पर देखिए जो भिम्बिटका है भिम्बिटका भीमबेटका बिटका कहाँ थी देखिए इधर थी भीमबेटका बेटका यहाँ पर जहाँ पर हंडर गैदर्स रहा करते थे ये जगह जो है ना वो मध्य प्रदेश में पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी जगह है जहाँ पर ये बहुत पुरानी गुफा है और पीपल यहाँ पर खो इन गुफाओं में रहा करते थे क्योंकि ये उन्हें एक तरीके से उनका घर बन जाया करता था भीम वाली गुफा क्योंकि वहाँ पर बरसात से वो बच जाते थे गर्मी से बच जाते थे हवा से बच जाते थे तो ये सारी जो और ये जो भीमबेट का वाला जगह है ना यहीं पर नर्मदा नदी पड़ती है मध्य प्रदेश में ही तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर भीमबेट का है उसी के साइड में नर्मदा नदी है तो उससे उन्हें पानी भी मिल जाया करता था नर्मदा नदी से ठीक है तो ये उनके लिए एक अच्छी जगह थी हंटर गैदरर्स के लिए तो यही है उसके बाद देखिए स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू यस पीपल ट्राई टू फाइन प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन बज ईज़िली अवेलेबल जैसे आपको पता है पत्थरों के औजार जो बनाते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि उन्हीं से उनका काम चलता था गड्ढा वगैरह खोदते थे तो पत्थरों के औजार जहाँ पर ईज़िली बन सकें या मिल सकें ऐसी ही जगह वो जाया करते थे और देखिए पुराने लोग क्या करते थे पत्थरों पर पेंटिंग भी किया करते थे खाली समय पर तो जैसे आपको पता है काफ़ी गुफाओं में पुरानी पेंटिंग भी मिली है आर्कोलॉजिस्ट को जैसे इस तरीके की पेंटिंग देखिए इसमें एक आदमी एक हिरन को शायद आई थिंक पकड़ रहा है तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच अर्ली पीपल लिव हैड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स तो वो दीवारों पर इस तरीके की पेंटिंग बनाते ही रहा करते थे और कहाँ पर मिली है ऐसी पेंटिंग मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स ये सब करते थे और ये पेंटिंग हमें बताती हैं कि उनके पास काफ़ी स्किल थी जिस मतलब उनके पास भी था कि हाँ वो ड्राॅइंग कर सकते थे ये सारी चीज़ें हमें यही बताती हैं ठीक है ठीके? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एक गुफा भी दे रखी है एक फोटो दे रखा है और यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए ये उनकी ड्राइंग है थोड़ी बहुत शायद यहाँ पर दिखा रखा है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यस साइट्स साइट्स क्या चीज़ें होती हैं ये अब हम पढ़ते हैं साइट्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें मिलती हैं जैसे पुराने औज़ार पुराने घड़े पुरानी बिल्डिंग एक्सेट्रा जहाँ पर मिलती हैं उन जगहों को हम साइट्स कहते हैं जहाँ पर वो बनी होती हैं मतलब लोग वहाँ पर बनाते थे उनको यूज़ करते थे और वहीं पर छोड़ जाते थे औजार वगैरह को तो ऐसी जगह क्योंकि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको ना जो मिट्टी होती है उसके अंदर पुराने हंटर गैदरर्स के टूल पॉट और बिल्डिंग्स मिली हैं तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं उन जगहों को हम साइट्स कहते हैं क्लियर ओके समटाइम्स हाँ पानी के अंदर भी कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये सारी आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे okay? ठीक है अभी के लिए इतना ही है यहाँ पर अब देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट फायर अब जो आग होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया है तो कुरन के केव्स कुरन केव्स हमने मैप में देखा था ना कुरन केव्स देखिए ये हमारा मैप था यहाँ पर देखिए कुरन केव्स कहाँ हैं ये रहे ये है तमिलनाडु वाले थोड़े से साइड आंध्र प्रदेश वाले साइड में है ना कुरन केव्स ये जो कुर्नूल केव्स हैं यहाँ पर रेड ट्रायंगल है इसका मतलब यहीं पर भी यहाँ पर भी अंडर गैदरस रहा करते थे अब कुर्नूल केव्स में क्या है वहाँ पर ना राख मिली है आग की राख जो होती है यहाँ पर मिली है तो ये बताती है कि पहले के लोग जो थे वो आग भी जलाया करते थे और फायर भी यूज हुआ करती थी काफ़ी चीज़ों के लिए जैसे वो क्यों जलाया करते होंगे आग जैसे उन्हें रोशनी चाहिए होगी तब वो आग चलाते होंगे या फिर मीट वग़ैरह को पकाने के लिए आग चलाते होंगे या फिर दूसरे जानवर आग से डर जाया करते थे इसलिए वो आग जलाते होंगे तो ये सारे हमने पता किए कि पहले आग भी जलाया करती थी ओके अब हम पढ़ते हैं नेम्स और डेट्स के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरा बॉक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे नाम दिए लेंथी का मतलब होता है लंबे नेम्स यानी नाम काफ़ी लंबे नाम दिए हैं उन टाइम के उन टाइम को जो कि वो पढ़े हैं मतलब उन टाइम को जो कि उन्हें पता है जैसे देखिए तो जो सबसे पुराना समय हुआ करता था उसको हम कहते थे पेलायो क्या कहते थे पेलायो लिथिक सॉरी लिथिक कहते थे पलायो लेथिक ठीक है सबसे पुराने समय को और ये जो शब्द है पलायो वो आया है ग्रीक से पलायो पलायो हाँ वही मतलब पलायो का मतलब होता है लिथोस और लिथोस मतलब पुराना और जो दूसरा शब्द है लिथिक लिथिक का मतलब होता है पत्थर ठीक है पलायो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है पत्थर ठीक है तो ये इसलिए नाम पड़ गया पलायोलिथिक तो सबसे पहले वाले समय को जो स्टार्टिंग हुई थी उसको हम पलाइलेथिक कहते हैं ठीक है ओके उसके बाद देखिए ये किस समय की बात है ये सबसे पुराना ये सबसे पुराना समय हुआ करता था और ये लगभग दो मिलियन इयर्स अगो टू तो अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो की बात है यानी दो मिलियन हज़ार साल से लेकर बारह हज़ार साल तक का जो समय है काफ़ी लंबा समय है ये दो मिलियन यानी बीस लाख हो गए बीस लाख साल से लेकर बारह हज़ार ईयर्स इन इन इनका जो टाइम है इनके बीच में जो टाइम पड़ा ये सारा टाइम इस पूरे टाइम को हम क्या कहते हैं पलायो ये कौन सा पीरियड था पलायो ठीक है इस समय को हम पलायो बोलते हैं ओके उसके बाद देखिए इस पलायोलैथिक को भी हम तीन भागों में बांटते हैं इस समय को भी हम तीन भागों में बांटते हैं एक लोअर एक मिडल एक अपर ठीक है कौन सा लोअर पलायोलैथिक मिडल पलायोलैथिक अपर पलायोलैथिक ठीक है और इसी समय में इसी समय में हम जो थे हंटर गैदरर्स थे जो सारे इंसान हैं अभी धरती पर ये, इस समय पे 99 परसेंट जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे और यहीं इसी समय पे जो ह्यूमन की हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी ओके okay, उसके बाद देखिए इसके आगे का समय यानी बारह हजार साल से दस हजार साल के बीच तक का समय बारह हजार साल से दस हजार हाँ बारह हजार साल से दस हजार साल के बीच तक का समय जितना भी है इस समय को हम क्या कहते हैं मैसोलेथिक समय मैसोलेथिक ठीक है इस समय को हम क्या कहते हैं मैसोलेथिक okay? मैसोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोन यानी बीच का समय स्टोन स्टूल वर फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड जनरली टाइनी तो मैसोलिथिक वाले समय में जो औजार बनाए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे बनाए जाते थे और उन छोटे औजारों को हम माइक्रोलिट्स कहते थे माइक्रोलिट्स जो होते थे वो उन काफी शार्प हुआ करते थे जिनसे कोई भी चीज़ आराम से कट जाया करती थी या जिससे जल्दी ही काम हो जाया करता था तो ये हो गया हमारा बीच वाला समय तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा समय था पलायोलिथिक उसके बाद मैसोलिथिक जिसमें छोटे छोटे औजार बनने शुरू हो गए और उन छोटे छोटे औजारों को हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे और उसके बाद जो अभी उससे अगली जो स्टेट देखिए पहले तो पेलायोलिथिक आ गया फिर मैसोलिथिक आ गया मैसोलिथिक के बाद जो न्यू वाली चीज आई उसको हम कहते हैं नियोलिथिक नियो न्यू से ही पता चल रहा है न्यू नियोलिथिक मतलब न्यू है ना नया आ गया मतलब ये तो बीच का था अब ये एकदम लेटेस्ट इंडिया आया है ठीक है ये समय है दस हजार साल पहले की दस हजार साल पहले का जो समय था उसको हम कहते थे नियोलिथिक ठीक है क्या कहते थे दस हजार साल पहले के समय को नियोलिथिक दस हजार साल पहले की बात है तो ये हो गया बस यही है यहाँ पर यही बोला गया है ठीक है यही है तो सबसे पहले हम फिर से पढ़ते हैं पलायोलिथिक आया सबसे पहला समय जो कि दो मिलियन दो, दो सॉरी फिर से बीस लाख दो मिलियन का मतलब हो जाता है बीस बीस लाख ठीक है बीस लाख साल और बारह हजार साल के बीच तक का जितना भी समय था उसको हम पलायोलिथिक बोलते हैं उसके बाद आता है मैसोलिथिक मैसोलिथिक वाला जो टाइम था वो है अराउंड बारह हजार साल और दस हज़ार साल के बीच का समय हो जाता है मैसोलिथिक फिर दस हज़ार साल पहले के समय को हम नियोलिथिक बोलते हैं मैसोलिथिक हो गया पैलायोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया पैसोलिथिक मतलब बीच का समय पैलोलिथिक मतलब पुराना समय नियोलिथिक यानी नया समय तो ये हो गया ये हमने पढ़ लिया अब देखिए यही था इस पूरे बॉक्स में नेम्स एंड डेट उसके बाद नेक्स्ट है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट अ चेंजिंग इन्वायरमेंट में यानी अराउंड बारह हज़ार ईयर्स अगो यानी बारह हज़ार साल पहले जिस समय कौन सा मैसोलिथिक टाइम चल रहा था बारह हज़ार साल पहले काफ़ी चेंजेस आए हमारी जो दुनिया है उसके क्लाइमेट में उसके पूरे क्लाइमेट का मतलब होता है एक तरीके से काफ़ी चेंजेस आए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन और जैसे हमारा जो मौसम था क्लाइमेट का मतलब मौसम होता है बारह हज़ार साल पहले हमारा मौसम बदलने लगा मौसम कैसा हो गया गर्म हो गया गर्मी आने लगी और इतने एरियाज़ में ये डेवलपमेंट हुआ फिर ग्रासेस बढ़ने लगी जैसे गर्मी आने लगी तो पेड़ पौधे बढ़ने लगे अब पेड़ पौधे बढ़ने लगे तो जानवर बढ़ने लगे जैसे डियर हो गया एंटेलॉप हो गया गॉड शीप ये सब बढ़ने लगे क्योंकि ये जो सारे जानवर हैं वो घासें तो खाते हैं अब घास बढ़ेगी गर्मी के कारण तो जो जानवर हैं वो भी भरेंगे और जानवर बढ़ेंगे तो देखिए जानवर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? इंसान बढ़ेगा क्योंकि इंसान जो होता है वो जानवर को ही तो खाता है अब जानवर को खा खा के खा खा के जो इंसान थे वो भी बढ़ने लगे उनकी गिनती भी बढ़ने लगी आबादी भी बढ़ने लगी तो इस तरीके से हुआ दोज वो हंटेड दीज एनिमल्स नाव फॉलोड दैम लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन फिर ये लोग जानने लगे जैसे इनको मार कर ये लोग खाते थे तो इन लोगों को पता चलने लगा कि ये जो जानवर लोग हैं वो कैसे खाते हैं और ये जानवर लोग जो हैं मतलब कैसे कैसे इनकी चीज़ें पता चलने लगी और ऐसे लोगों ने सोच सोच कर पता क्या चीज़ करना शुरू कर दी इन जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया सोच कर ये सोचा कि अरे ये तो ऐसे खाते हैं मतलब इंसानों को जानवरों के बारे में पता चलने लगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये ऐसे खाते हैं

एक मिनट जी हाँ यहाँ से क्या हुआ कि ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया जहाँ पर अनाज वगैरह उगने लगे जो ग्रासेस हैं वो बढ़ने लगी वीट बार्ले राइस इन सब की फसल स्टार्ट हो गई और काफ़ी सारे जगह पर फसल खेती बाड़ी करने लगे लोग जो मैन वुमेन थे बच्चे भी कभी कभी ऐसे अनाज वगैरह की खेती बाड़ी कर लेते थे और उन्हें जान और ये लोग जानने लगे कि ये जो चीज़ें हैं उन्होंने पहले तो ये स्टार्ट की फार्मिंग उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया ये चीज़ क्या है अनाज वगैरह उसके बाद उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने और भी चीज़ें ऐसी उगानी शुरू कर दी इससे जो हैं वो फार्मर्स बन गए और और से ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने लगे और जानवरों को भी पालने लगे तो जो है जो लोग होते थे वो पहले तो जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे उसके बाद उनके लिए खाना छोड़ते थे और इस तरीके से जानवर इंसान का दोस्त बन गया तो सबसे पहला जानवर जो इंसान ने पाला था वो था डॉग जंगली कुत्ता ठीक है एक तरीके से डॉग कह सकते हैं वाइल्ड डॉग उसके बाद देखिए पीपल जो है जानवरों को और ज्यादा अच्छी तरीके से पालने लगा और जो जानवर हैं उस जैसे देखिए जानवर उन्हें दूध देते थे, थे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देते थे और वो ऐसे ही जानवरों को पालता था इंसान जो कि उनके लिए हार्मलेस हो जैसे के लिए शीप को पाल लेता था गॉट को पाल लेता था पिग को पाल लेता था क्योंकि ये सारे जो जानवर होते हैं वो घास ही तो खाते हैं कौन सा इंसान को खाएंगे तो इंसान के लिए हार्मलेस था मतलब जो भी जानवर उसने पाले वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे तो ऐसे उन्होंने पाना पाला ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दिज एनिमल्स फ्राम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स और कुछ लोग तो इन जानवरों को बचाते थे कि कोई जंगली जानवर इनका शिकार ना कर ले इस तरीके से जो इंसान है वो हर्डर भी बन गया और फार्मर भी बन गया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ नीलथिक टाइम इसके बाद देखिए डोमेस्टिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं डोमेस्टिकेशन जो शब्द है ये कौन सी प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स यानी ये वो वाली चीज़ है जहाँ पर लोग डोमेस्टिकेशन का मतलब है जहाँ पर लोग प्लांट उगाने लगे और जानवरों का देखभाल करने लगे तो वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्राम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी जो पेड़ पौधे जो जानवर इंसान पालता था वो पाल जो मतलब एक तरीके से पालतू बन गए थे जैसे इंसान ने पेड़ पौधे उगाना शुरू किए और जानवर पालना शुरू किए तो ये उसके पालतू जानवर बन गए और ये पालतू जानवर बाहर के जंगली जानवर से एकदम अलग थे क्यों क्योंकि इंसान उनकी अलग तरीके से देखभाल करता था डोमेस्टिकेशन करता था फॉर एग्जाम्पल हाँ ऐसे जानवरों को वो पालता था जिन्हें डिसीज़ ना हो तो मतलब एकदम सेफ जानवरों को पालता था और अच्छे तरीके से इंसान देखभाल करने लगा तो क्या हुआ काफ़ी अंतर आने लगे बाहर के जानवर में और जो इंसान जो इंसान ने जानवर पाले हैं उन जानवरों में फॉर एग्जाम्पल देखिए जो ये है ये दांत है एक उस जानवर का जिसको इंसान ने पाला और ये दांत है बाहर के जंगली जानवर का जिसको इंसान ने नहीं पाला तो इस तरीके से जो पालतू जानवर हैं उनमें चेंजेस थोड़े बहुत आने लगे सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व इन सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड विल हैव टू सेम क्वालिटीज़ है ना अमोंगस एनिमल्स दोज़ आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग और जो कि काफ़ी सारा शांत जानवर होते थे उसी को इंसान पालता था और ऐसे करते करते वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पालने लगा प्लांट्स को पालने लगा मतलब प्लांट्स उगाने लगा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया टीड्स हो गए हॉन्स हो गए वाइल्ड एनिमल्स के बहुत बड़े हुआ करते थे और डोमेस्टिकेट एनिमल्स के छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पर यही बोला गया है और यहाँ पर है कि ये प्रोसेस कब शुरू हुआ बारह हज़ार साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ और सारे प्लांट और एनिमल ऐसे ही पालना शुरू कर दिए गए बस ये यह यहाँ पर लिखा हुआ है और सबसे पहले जो पाले गए जानवर थे वो थे शीप गॉट और डॉग और सबसे पहले फसल वीट और बार्ले इन सब की उगाई भी गई थी ये हो गया अब हम पढ़ते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ एक नया तरीका लाइफ जीने का और जैसा कि हमें पता है अगर हम एक सीड जो है एक सीड को अगर हम ग्रो करेंगे एक पौधा बनाएंगे एक पौधा उगाएंगे तो वो काफ़ी समय लेगा उगने में क्योंकि काफ़ी जो पौधे होते हैं ना पानी डालना होता है हफ्तों तक महीनों तक कभी कभी तो सालों तक जो पौधे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो क्या हुआ कि वो एक ही प्लेस पर रहा करते थे क्योंकि उन्हें प्लांट्स की देखभाल करनी होती थी उन्हें पानी देना होता था और बाकी सारे काम करने होते थे पेड़ पौधों के तो वो एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रुकने लगे काफ़ी सारी उन्हें केयर करनी होती थी प्लांट्स की और ऊपर से उन्होंने जानवर और पाल रखे थे तो उनकी भी उन्हें देखभाल करनी पड़ती थी जानवरों से उन्हें ये फ़ायदा था वो हम आगे बढ़ते हैं एक तरीके यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ जानवरों से उन्हें क्या फ़ायदा होता था कि जैसे जानवरों का वो जो है जानवरों को कभी कभी जब उन्हें उनके पास खाना नहीं होता तो जानवरों को वो खा सकते थे और वो, वो जानवरों के लिए जानवर उन्हें एक तरीके से मिल्क देते थे और काफ़ी कुछ देते थे एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट अब जैसे जैसे वो ग्रोइंग करते रहे यानी एग्रीकल्चर यानी वो पेड़ पौधे बनाते गए बनाते गए उगाते रहे इंसान तो अब पेड़ पौधों को रखने के लिए स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना तो उन्होंने सोचा कि हम बास्केट बना लेते हैं हम गड्ढे खोद लेते हैं तो कभी कभी इंसान क्या करता था गड्ढे खोद लेता था और उसके अंदर जो भी उसने बनाई अनाज वगैरह उगाए उनको रख देता था, था और कभी कभी वो बास्केट खोद बास्केट बना लिया करता था पत्ते वगैरह से और ये सब वो करता था कभी कभी वो घड़े बनाता था क्ले के ठीक है तो ये हंटर गैदर्स नहीं मतलब पिछले के लोग जो थे वो कर किया करते थे उसके बाद है स्टोरिंग एनिमल्स यानी एनिमल्स को स्टोर करना एनिमल्स देखिए एनिमल्स भी वो करते हैं बच्चे पैदा करते हैं बिसाइड इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एज इम्पॉटेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट इट तो क्या होता है अगर उनका हम अच्छे से देखभाल करें तो जो जानवर हैं वो हमें मिल्क भी दे सकते हैं मीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं खाना भी दिलवा सकते हैं मतलब काफ़ी चीज़ जो है एक एनिमल से हमें मिल सकती है अगर हम उसका अच्छी तरीके से देखभाल करें तो दूसरे शब्द में जैसे एनिमल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से पाले जाएं तो एक तरीके से हम उनसे खाना भी ले सकते हैं जैसे दूध हो गया है ना तो वो लोगों को उन लोगों ने अच्छी तरीके से ये सब समझा और अच्छी तरीके से जानवरों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स अब हम जानते हैं सबसे पहले सबसे पहला जो फार्मर था और सबसे पहला जो हर्डर था उसके बारे में अब हम जानते हैं मतलब सबसे पहले किसने ने खेती बाड़ी करना शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया तो अब हम मैप पे देखते हैं और मैप पे जाकर हम देखेंगे कि ब्लू स्क्वायर बने हुए हैं हर ब्लू स्क्वायर अभी हम देखेंगे अभी हम पढ़ लेते हैं हर ब्लू स्क्वायर एक साइट का है फ्राम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है कि वहाँ पर हर्डर्स और फार्मर्स रहा करते थे बहुत पहले देअ वो फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट और वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंटे ऑफ कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया कुछ जो फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे वो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे जम्मू कश्मीर के इलाके में रहा करते थे ईस्ट साउथ हर जगह वो रहा करते थे तो यहाँ पर हम मैप में चलते हैं एक और बार ये रहा हमारा मैप तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर के आपको स्क्वेयर्स देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स थे एग्रीकल्चर और जानवर को पालना इन जगह पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पुरजा हम ये जम्मू कश्मीर में है और देखिए मेहर मेहरगढ़ ये है पाकिस्तान के इलाके में यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का ये है तो ये पहले यहाँ पर पाकिस्तान नहीं था पहले पूरा इंडिया का ही था लेकिन अब पाकिस्तान इधर बन गया है उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोलधिवा फिर महागढ़ चिराना डाउलजी जी हेडिंग काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर और जानवरों को पालना स्टार्ट हुआ हल्लूर हो गया पली हो गया ये जगह थी ठीक है तो आगे हम जहाँ थे वहाँ चलते हैं यस इधर थे हम लोग तो यहीं पर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें पता लगा है कि यहीं पर जो सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स थे उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया था टू फाइंड आउट वेदर these sites आर settlement ऑफ फार्मर्स एंड herders, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल bones. तो साइंटिस्ट ने ये सब जानने के लिए कि क्या इंसान वहीं फिर रहने लगा था काफ़ी समय तक मतलब काफ़ी कुछ जानने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बॉन्स भी बॉन्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया रिमेंस ऑफ बर्ंड ग्रेन हाँ फिर जो उस एकोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं उनको क्या पता चला कि जले हुए अनाज उन्हें मिले तो इसका मतलब ये है कि वो या तो उन्होंने लोग उन लोगों लो ने अनाज बनाने की कोशिश की होगी या कुछ खाना वगैरह पकाने की एक्सेट्रा करने की कोशिश की होगी लोगों ने साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनें तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर अनाज वगैरह इन सब को ग्रो किया जाता था दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बॉन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के एनिमल्स की भी वहाँ पर हड्डियाँ पाई गई हैं कई जगहों पर टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ उसके बाद उन्होंने सेटल लाइफ कैसे मतलब शुरू की आर्कोलॉजिस्ट है फाउंड ट्रेसिस ऑफ हर्ड्स और हाउसेज इन एट सम साइट फॉर इंटेंस बुरजा हम तो जो बुरजा हम वाला मैंने आपको एरिया बताया था जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मैप में हमने देखा था ये वाला बुरजा हम वाला ये जो जगह है बुर्जा हम इधर की अब हम बात कर रहे हैं ठीक है थेके? तो ये जो जगह है ना इधर जो इंसान है सॉरी जो, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको हर्ड्स झोंपड़ियाँ वगैरह मिली हैं उनके निशान मिले हैं पीपल बिल्ड पिट हाउसेस तो उन्हें पता चला है कि पीपल जो थे ना इंसान जो थे वो हाउसेस भी बनाया करते थे और कैसे बनाया करते थे गड्ढे में बनाया करते थे जैसे ये मान लीजिए घर है और ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं फिर सीढ़ियों से उतर कर गड्ढे में आया करते थे वो इस तरीके से जो इंसान था वो पहले घर बनाता था गड्ढे के अंदर ग्राउंड में विद स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम दिस मे बी हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर तो इससे क्या था वो ठंडियों में भी बच जाया करता था अंदर ही अंदर बैठाया जाता था आर्कोलॉजिस्ट हैल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बूथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी पाया है कि जो वो खाना पकाते थे या तो वो कभी कभी बाहर भी पका लिया करते थे कभी कभी उन झोपड़ियों के अंदर भी वो लोग पका लिया करते थे जैसा वो क्लाइमेट होगा उस हिसाब से वो करते थे ये कुछ सब काम उसके बाद ड्रॉप पिट हाउस तो आप भी एक ऐसा बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से कि कैसे वो लोग रहा करते होंगे ऐसे गड्ढे से खोद कर और यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ लगा कर अपनी मर्जी से आप भी ऐसा उनका एक पिट हाउस तैयार कर सकते हैं ये यहाँ पर लिखा गया है काफ़ी जगह पर जो पत्थरों के जो औजार बनाते थे वो भी मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को और देखिए सबसे पहले जो पैरालथिक वाला टाइम था ना स्टार्टिंग का टाइम जो कि दो बीस लाख से लेकर बीस लाख से लेकर जो बारह हज़ार या पंद्रह हज़ार के लगभग कुछ था तो वो जो सबसे पुराना समय था ना पैलोलोथिक वाला जो टाइम था उसके जो औजार बनाए जाते थे पैलॉलोथिक वाले टाइम पे जो औजार बनाए जाते थे वो एकदम अलग थे जो कि न्योलॉथिक वाले औजार थे मतलब न्यूलौथिक वाले जो औजार थे वो थोड़े पतले और छोटे थे और थोड़े नुकीले थे मतलब नुकीले तो मैंने बनाए नहीं इस तरीके से नुकीले थे और पतले से और छोटे से हुआ करते थे न्योलॉथिक में और पैलॉलोथिक वाले टाइम में थोड़े बड़े बनाया करते थे लोग औजार थोड़े से बड़े हुआ करते थे बड़े मतलब स्टेप हुआ करते होंगे और थोड़े नुकीले भी थोड़े कम हुआ करते थे इस तरीके से हुआ करते थे तो मतलब पैलोलॉथिक में ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से वो लोग नहीं बनाते थे फिर न्यूलॉथिक में ये सब डेवलप होता गया ठीक है फिर न्यूलॉथिक में जो औजार बनाए गए वो अच्छी तरीके से काट दिया करते थे सब चीज़ को और उसके बाद क्या हुआ वो लोग जो अनाज थे ना उसको भी ग्राइंडिंग यानी उसको भी पीस कर खाने लगे पहले तो कच्चा ही खा जाया करते होंगे अनाज को फिर उनसे पीसना शुरू किया उन लोगों ने प्लांट्स को और से और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश की और फिर क्या हुआ अब अब जो है पीसने के लिए भी उन्होंने सामान चाहिए था तो सामान भी उन्होंने बनाने शुरू किया अच्छी तरीके से और कुछ हज़ार साल पहले ही ये सब इंसान ने करना अच्छी तरीके से शुरू किया और फिर टूल्स बनाए गए टूल्स नहीं नहीं टूल्स जो पहले तो लॉथिक के थे ना उससे अच्छे टूल बनाए गए मतलब यही है अच्छे से बनाए गए और कभी कभी टूल हड्डियों से भी वो लोग बना लिया करते थे कभी कभी जो है पत्थर से बनाया करते थे इस तरीके के देखिए टूल्स हुआ करते थे एकदम पत्थर वाले अच्छे से मैनी काइंड ऑफ अर्थन बोर्ड्स हैव ऑल्सो बींग फाउंड फिर उन्होंने क्या किया घड़े बनाना भी शुरू किए आर्कुलॉजिस्ट को मिले हैं कई सारे घड़े और कभी कभी वो लोग घड़ों को डेकोरेट किया करते थे कभी कभी उनमें सामान भरा करते थे और पीपल इन घड़ों को कभी कभी खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते थे जैसे उन्होंने ग्रेन रख दिए घड़े में किसी घड़े में चावल रखती है किसी में वीट लगती है और फिर ये जो घड़े थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए थे उनके खाना खाने के लिए खाना भी इन्हीं में रख कर कभी कभी वो खा लेते थे और ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया कपड़े सिलना शुरू किया कपड़े सिलने के साथ फिर वो पहनने लगे अलग अलग टाइप के मटेरियल बनाने लगे कॉटन उगाने लगे और कॉटन के कपड़े भी पहनने लगे और इतने सारे चेंजेस आपको क्या लगता है एक समय पर आके होंगे हर देश में हर और oh, सॉरी हर देश में नहीं हर स्टेट में हर हर जगह एक बार ही चेंजेस चेंजेस गए होंगे बिल्कुल गलत ऐसा नहीं है क्योंकि धीरे धीरे देखिए हर जगह डेवलप होता है अभी काफ़ी जो हैं स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं है और कहीं कहीं पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये सब तो चलता ही रहता है इन मैनी एरियाज़ मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड हंट एंड gather फूड काफ़ी इलाकों पर अभी तक जो मैन एंड वुमेन थे वो हंट ही करते थे और शिकारी किया करते थे लेकिन काफ़ी जगहों पर क्या हुआ था निगलऑर्थिक टाइम आ गया था कुछ जगहों पर अभी तक पैथोलॉथिक ही चलता था एंड एज पेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स और उन्हें अडोप्ट करने में धीरे धीरे धीर टेक्नोलॉजी जो थी मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ने में काफ़ी हज़ार साल लगे तो कभी कभी पीपल हाँ ये थाउजेंड ईयर्स अब हम इधर पढ़ते हैं अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ अब मेहरगढ़ की हम बात करते हैं मेहरगढ़ कहाँ था हमने मैप में जाना था ना मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर है मेहरगढ़ पाकिस्तान के इलाके में ठीक है पाकिस्तान के साइड में है मेहरगढ़ उसके बारे में हम पढ़ते हैं दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इन ईरान ईरान जाने के लिए एक पास पड़ता है बोलन पास बोलन पास को पार करके ईरान जाते हैं तो वहीं जगह पर मेहढ़गढ़ लोकेटेड है मेहड़गढ़ काफ़ी फर्टाइल है यानी काफ़ी मजबूत जो होती है ना मजबूत उसका है जमीन का मेहड़गढ़ प्रॉबरली वन ऑफ द प्लेसिस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बैल्ली एंड वीट मेहरगढ़ एक ऐसा जगह था जहाँ पर सबसे पहले पीपल जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया बार्ले वीट इन सबको उगाना स्टार्ट किया शीप घोड़ इन सबको पालना स्टार्ट किया और ये सबसे पुराना गाँव है बहुत पुराना गाँव है जिसको हम आर्कोलॉजिस्ट जानते हैं इस जगह पर मेहढ़गढ़ में जो जानवर होते हैं उनकी बॉन्स पाई गई हैं वाइल्ड एनिमल्स की भी बॉन्स पाई गई हैं जैसे डियर हो गया पेक हो गया इनकी भी बॉन्स पाई गई हैं शीप गोट इन सब की हड्डियाँ बॉन्स मतलब हड्डियाँ पाई गई हैं और काफ़ी मेहढ़गढ़ में जो थे स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस भी हुआ करते थे मतलब कुछ तो स्क्वायर टाइप के हुआ करते थे कुछ रेक्टेंगल हाउसेस हुआ करते थे घर हुआ करते थे कैसे घर हुआ करते थे अब हम ये जानते हैं इनमें ना कंपार्टमेंट बने होते थे तीन चार जैसे देखिए ये जो आप घर देख रहे हैं ना साइड में ये इस टाइप के घर पहले हुआ करते थे देखिए चार यहाँ पर कमरे से बने हुए हैं इधर किसी में कुछ चलता है किसी में स्टोर करने के लिए रखा रहता है और कुछ रूम स्टोरेज के लिए होते थे ये सब पहले ऐसे ही घर हुआ करता था देखिए मिट्टी के ही बने हुए हैं शायद ईंटों के बने हुए हैं वन पीपल डाई जब लोग मर जाया करते थे तो जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे उन लोगों की ऐसा नहीं है कि वो मर गए तो ऐसे ही मतलब पहले भी जब लोग मरते थे तो उनको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट उनकी की जाती थी फेरेक्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ और लोग लोग ऐसा मानते थे कि क्या पता मरने के बाद भी कोई जीवन होता हो लोग ऐसा मानते थे और उन्हें गाड़ दिया करते थे बर्यल यानी वो जगह जहाँ पर उन्हें गाड़ लिया करता था सबर बरियल साइड्स मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ पर भी ऐसी कई जगह खोजी गई हैं जहां पर लोगों को काड़ा गया है मरने के बाद इन वन इंसिडेंस द डेड पर्सन वाज बर्थेड विद गॉड्स और कभी कभी जो है पुराने ज़माने के लोग जो लोग हुआ करते थे वो इंसान को जैसे अंदर काटते थे ना उसके साथ साथ जो गॉट होती है जो बकरी होती है उसको भी रखते देते थे और ऐसा समझ कर वो लोग रखते थे कि अगले जो अगला जो जन्म वो लेगा वो आदमी जो भी मरा है उसे अगले जन्म में काफ़ी खाना मिलेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा उसके बाद देखिए एल्सवेयर एल्सवेयर में हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में तो फ्रांस में इसमें ज़्यादा तो वैसे कुछ खास नहीं है बस यही बता गया है कि फ़्रांस में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो बच्ची हैं उन्होंने दस हज़ार साल पहले स्कूल के चार बच्चों ने ऐसी चीज़ें खोजी हैं जो कि बीस हज़ार या दस हज़ार पहले की चीज़ें हैं और वहाँ पर भी फ्रांस में भी फ्रांस तो दूसरा देश है उधर भी एनिमल्स पाए जाते हैं वाइल्ड हॉर्से और ये सब पाया जाता है वॉली और काफ़ी सारे खतरनाक ख़तरनाक जानवरों की हड्डियाँ भी पाई जाती हैं तो वहाँ पर जो आयरन होता था कारकोल होता था वहाँ पर भी पेंटिंग्स भी पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है ये यह पेंटिंग यहाँ ऊपर जो यही लिखा है कि ये यह पेंट यहाँ ऊपर यही लिखा है कि जो पेंटिंग है वो या तो स्पेशल चीज़ जब हुआ करती थी तब बना दिया करते थे या हंटर जब कुछ परफॉर्म करते थे तो ऐसी पेंटिंग बना दिया करते थे तो ये एक पेंटिंग है जो कि फ्रांस में मिली है यही यहाँ पर लिखा है उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और एल्सवेयर है इस एलोसफेयर को हम पढ़ते हैं न्यूलॉथिक साइट तो यहाँ पर भी यहाँ पर ज़्यादा खास नहीं है वैसे टर्की के बारे में बताया गया है यहाँ पर टर्की एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी ये सब काफ़ी कुछ मिला गया है टर्की में बाहर बाहर से ये जो है चीज़ें आई गई हैं एंड यूज इन दटलमेंट एक मिनट यस mm, yes. यहाँ पर ये बोला गया है कि टर्की जो है वो एक बाहर की सिटी है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एक साइट है और यहाँ पर कटार हुयो काफ़ी पुराने पुरानी चीज़ें पाई गई हैं टर्की में कुछ चीज़ें तो बाहर बहुत बाहर बाहर से लाई गई हैं सियारिया कौरीज फ्रॉम द रेड सी और यहाँ पर यह भी पाया गया है कि लोग बाहर बाहर से यहाँ पर भोजा रख कर लाते थे या तो जानवरों पे रख कर लाते थे कोई भी भोजा या फिर पैदल चल कर लाया करते थे तो टर्की भी एक बताया गया कि टर्की में भी पुरानी चीज़ें पाई गई हैं यही यहाँ पर है तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है कैसा लगा आपको आई होप आपको समझ आया होगा अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू